भैया आप कौन सी जनरेशन में हो? फिफ्थ जनरेशन से चला रहे हो? एक सौ फिफ्थ जनरेशन से चला रहे हो? ओके, तो मतलब आपने अंग्रेजों को भी खिलाया है ना ये? अब हम जाकू टेम्पल, जाकू नहीं, संकट मोचन और माल रोड जा रहे हैं। मतलब कॉस्टली है ये, मतलब ये रूम नहीं है लेकिन फिर भी मतलब क्या ना, अभी क्रिसमस के चक्कर में कॉस्टली पड़ रहा है तो यही रीज़न था। बाकी तो हम अभी कहाँ जाएंगे वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में बता दूंगा आपको। ये अभिषेक को नीचे झुकना इसलिए पड़ता है कि अब ये झुकने के बाद में भी मेरे से 2 इंच लंबा ही हो सकता, देख लो। तो ऐसा है, उधर सामने देखना, ये सोच रहा कि कैमरे में अलग तरीके से दिख रहा है और सामने अलग तरीके से दिख रहा है। मैं देख रहा था, तो जैसे सिखाया था वैसे बिल्कुल। अच्छा, इसने मुझे सिखाया था वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं। ये क्या, इधर 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 आ। चलो थोड़ा सा गाजर का लोर दे दो, 50 का गाजर का लोर दे दो। ये कम करा दो थोड़ी सी आवाज, अगर पॉसिबल है। इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, सो दिस शॉप स्टार्टेड इन 1902 बाय माय ग्रेट 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 ग्रैंडफादर लाला मिहिरचंद एंड इट्स रनिंग फ्रॉम दैट टाइम। नाउ वी हैव 3 ब्रांचेस, वन इन संकट मोचन, वन अप देयर इन मार रोड एंड वन इज देयर, दिस इज द एंसेस्ट्रल शॉप, इट्स 117 ईयर। इज देयर एनी स्पेशलिटी भैया आपकी? इन विंडोज वी हैव गाजर का हलवा, मूंगी का हलवा, राइट नाउ मूंगी का हलवा इज फिनिश्ड बट अदर मेनली वी हैव स्पेशलिटीज इन। ओके भैया आप कौन सी जनरेशन में हो? फिफ्थ जनरेशन से चला रहे हो? एक सौ फिफ्थ जनरेशन से चला रहे हो? ओके, तो मतलब आपने अंग्रेजों को भी खिलाया है ना ये बोल सकते हैं? हमारी कई स्वीट्स स्विट्जरलैंड जर्मनी यहाँ तक गई। ओके, बिकॉज हमारी शॉप उस टाइम की है जब अंग्रेज, हमारी कई स्पेशलिटीज थी उस टाइम की। अब आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट टाइम बट उस टाइम में काफ़ी ऐसी स्वीट्स होती थी जो बनवा के ब्रिटिशर्स यहाँ से, बींग समर कैपिटल, ये ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल होती थी शिमला, यहाँ से बनवा के अपने वहाँ लेगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। ओके, जितना हमने इस महरूज के बारे में जाना उतना ही मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ से गाजर का हलवा और मूंग का हलवा खाया। लिटरली बता दूं, मैंने ज़िंदगी में ऐसा गाजर का हलवा कहीं पे भी नहीं खाया। काफ़ी टेस्टी होता है। माल रोड से नीचे उतरते ही आपको है ना महरूज की शॉप मिलती है शिमला के अंदर। इनकी 3 ब्रांचें हैं। इनका दावा है कि 5 पीढ़ियों से, लगभग अंग्रेजों के आने से पहले भी ये है ना यहाँ पे शॉप एग्जिस्ट करती थी। और इनका खाना इतना टेस्टी होता है कि स्विट्ज़रलैंड तक पहुँचाते हैं या डिलीवर करते हैं।